सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदन में आदिवासियों को लेकर सत्ता पक्ष और पक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सदन के अंदर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देते समय विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ता पक्ष को घेरा। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दिवंगत नेताओं की श्रद्धांजलि में नेताओं को श्रद्धांजलि देने से पहले आदिवासी दिवस को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, जिस पर जमकर बवाल हुआ। सदन से बाहर निकलने के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आदिवासी दिवस को आदिवासी अपमान दिवस बना दिया है। भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी, हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वह अपना त्यौहार मनाए। ये विश्व आदिवासी दिवस, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिवस, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिन पर जो इस सरकार ने किया है, मैंने आज श्रद्धांजलि दिया था। बहुत बड़ा अपमान पूरे समाज, आदिवासी समाज को हुआ है। भोपाल से EMSTV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।